Thanks. आज हम पढ़ते हैं टेंस। कल हमने पढ़े थे आर्टिकल, आज हम पढ़ते हैं टेंस। टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे? इसमें है का बोल होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम सो रहे हैं, है ना, तो वो प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस में था, यानी कि जो काम हम कर चुके हैं बीते हुए समय के लिए, जैसे हमने खाना खाया था, हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे, हम सो रहे थे, तो वो पास्ट टेंस। फ्यूचर का, फ्यूचर को पहचानेंगे किससे? का शब्द से। जैसे फ्यूचर में, भविष्य में हम जो काम करना चाहते हैं, जो भविष्य में हम जो काम करेंगे वो फ्यूचर टेंस। ठीक है, जैसे हम खाना खाएंगे, हम खेलेंगे, हम पढ़ेंगे, हम सोएंगे, हम दौड़ेंगे, तो इन सब में ये शब्द आ रहा है, तो वो फ्यूचर टेंस है। वैसे तो टोटल टेंस 12 है, लेकिन अब 12 टेंस कौन से? प्रेजेंट के, प्रेजेंट के चार टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी चार, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, हमारे कोर्स में अभी फ्यूचर टेंस नहीं है, प्रेजेंट सिंपल में भी, प्रेजेंट सिंपल में भी, प्रेजेंट टेंस में भी एक प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारे कोर्स में है और पास्ट में एक पास्ट सिंपल टेंस हमारे कोर्स में है, तो हमें सारे टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। टोटल 12 टेंस हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में जो है वो कौन कौन से टेंस है? एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। ये दो टेंस ही हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, ये दो टेंस ही हमारे कोर्स में हैं। अब सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? इनके इन ये जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं? ता है। इस सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? वाक्य के अंत में, आप लोग कॉपी पेन लेके लिखते जाओ, जो ग्रामर की कॉपी बनाई है उसमें लिखते जाओ, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में कौन कौन से शब्द आते हैं? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, ते शब्द आया, हम पढ़ते हैं, ते शब्द आया, हम सोते हैं, ते शब्द आया, बच्चे खेलते हैं, ते शब्द आया, तो ये शब्द ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं, तब वो सेंटेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इस सेंटेंस में वर्ब की, वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग होता है।
एस या सी एस का प्रयोग होता है। इसको नोट डाउन करो, ठीक है। यदि वाक्य नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, तो डू नॉट व डज नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी सेंटेंस की फ्रेमिंग कैसे करेंगे, इसको उतार लो, एक बार नोट डाउन करो ग्रामर की कॉपी में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो, राम ईट्स मैंगो, ठीक है। ये वर्ब है, ईट वर्ब है और वर्ब के साथ में एस का यूज हो रहा है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। दे लिव इन अजमेर, दे लिव इन अजमेर। अब देखो यहाँ पर तो वर्ब के साथ में एस का यूज था, तो हमें पता लग गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस का यूज है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ में एस का यूज नहीं है, वर्ब के साथ में एस का यूज नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम वर्ब के साथ में एस और एस का यूज करते हैं तो वो केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही हम एस या एस का यूज करते हैं। यहाँ पे राम है जो कि एक वचन संज्ञा है, राम क्या है? एक वचन संज्ञा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने ईट के साथ में एस का यूज किया। इसी तरह से सेफिक सेंटेंस में यहाँ पे हमने एस और एस का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो दे शब्द है, जो दे शब्द है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन संज्ञा है, ठीक है। बहुवचन करता है वे, वे यानी बहुत सारे। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बिठानी है, अपने माइंड में बिल्कुल फिट करके ये बात रखनी है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज तो होता है, लेकिन जो कब होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और एस का यूज होगा, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो एस और एस का यूज नहीं होगा। अब इसका सेंटेंस पैटर्न मान लो, हमें वाक्य बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? तो जिस तरह से आपके मैथ्स में फार्मूले होते हैं उसी तरह से इसका एक फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल से जो सेंटेंस है उनको हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। पर हमें एस और ईएस कब लगाना है ये याद रखना है कि यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, इस बात को याद रखना है कि अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो हमें एस और एस का यूज नहीं करना। देखो
बच्चे, इसका एग्जांपल देते हैं, बच्चे खेलते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, वह पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, ये सेंटेंस है। तब अब हमें इसको ये उस वाले फॉर्मूले से अप्लाई करना है, सेंटेंस को, इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, बच्चे खेलते हैं, बच्चों के बच्चे क्या है, सब्जेक्ट है, खेलना क्या है, वर्ब है, ठीक है। बच्चे को क्या बोलते हैं, एक बच्चा होगा तो क्या बोलेंगे, चाइल्ड, और जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। अब क्या लगानी है, वर्ब लगानी है, क्या वर्ब, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। अब हमें प्ले के साथ में ऐसे आई एस लगाना है, हमारा जो फॉर्मूला है तो ये कहता है कि वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे आई एस लगाना है। लेकिन यहाँ पे हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, तो हम क्या लिखते हैं, चिल्ड्रन प्ले, इसके साथ में हमने एस वी आई एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा जो रूल्स कहता है वो ये कहता है कि प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसमें एस और एस के साथ में, वर्ब के साथ में एस और एस का यूज नहीं करते। इसलिए यहाँ पे जो बच्चे शब्द है वो चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन शब्द जो है वो क्या है, एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर प्ले लिख ही छोड़ देंगे, इसके साथ में एस या एस का यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद में हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो सेंटेंस पैटर्न का फार्मूला है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो सेंटेंस है चिल्ड्रन प्ले, ये यहीं पर फिनिश हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, ठीक है। अब इस ता शब्द से पता लग रहा है, इस ता शब्द से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रेजेंट, वाक्य के अंत में ता शब्द आ रहा है। अब हमें इसको ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको बोलना है कि वह किताब पढ़ता है, ता शब्द आ रहा है, यानी कि जो वह शब्द है वो या तो किसी बॉय के लिए या किसी मैन के लिए, किसी मेल व्यक्ति, मेल जेंडर के लिए भी ये वह शब्द आ रहा है। अगर मान लो कोई लड़की होती है या कोई वुमेन होती है, कोई गर्ल्स होती है, तो यहाँ पे ती शब्द आता है ना, तो इससे हम पता लग रहा है कि ये कोई मेल जेंडर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही, ठीक है। और ही जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीड, रीड के साथ में एस लगाएंगे, ही रीड्स बुक, ये हो गया आपका इसका, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना कि किस तरह से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम करते हैं। आप इसको राइट डाउन करिए, ओके। और देखते हैं एग्जांपल, बच्चे विद्यालय जाते हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं, ये शब्द से पता लग रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फार्मूला क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में एस या ई एस, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट,
आज जो हम पढ़ रहे हैं ये वाक्य पढ़ रहे हैं सकारात्मक वाक्य, यानी कि इनको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बच्चे विद्यालय जाते हैं, अब बच्चे शब्द क्या है, पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं, इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा शब्द सब्जेक्ट है, कौन सा शब्द वर्ब है और कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है। तो बच्चे शब्द जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। विद्यालय शब्द क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जाते हैं शब्द क्या है, वर्ब है। जाते मतलब हम जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, खाना पीना खेलना कूदना दौड़ना रोना हंसना पढ़ना, है ना, जितने भी काम हम करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, तो ये क्या होगी, वर्ब होगी। अब ये जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे, यहाँ पे हमने लिख दिया चिल्ड्रन, क्लियर। क्योंकि बच्चा एक तो नहीं है, अगर एक बच्चा होता तो चाइल्ड होता, यहाँ पे बच्चे में बच्चे शब्द है तो यहाँ पे क्या आएगा, चिल्ड्रन, हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखनी है, वर्ब लिखनी है। जानना क्या है, वर्ब है, तो जाने को क्या बोलेंगे, जाने को क्या बोलेंगे, गो, ठीक है, ये हमने वर्ब लगा दी। अब उसके बाद में एस और इज का यूज करना है। अब एस और इज का यूज करने के लिए हमें देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो एकवचन है या बहुवचन है, जो सब्जेक्ट है वो एकवचन है या बहुवचन है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हम एस और इज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा, बहुवचन शब्द होगा, तो हम एस और इज का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो चिल्ड्रन शब्द है वो क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पे हम वो के साथ में इज का यूज नहीं करेंगे, इज का यूज नहीं करेंगे। तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल, क्लियर, राइट डाउन इट। अब ये जो वाक्य है, इन वाक्यों को सबको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अब नेक्स्ट लेते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों से हम नहीं, जिन वाक्यों में हम नहीं का प्रयोग करते हैं या किसी काम को करने के लिए मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। देखो जैसे हम खाना नहीं खाते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं सोते हैं, हम नहीं रोते हैं, तो इस तरह से हम किसी काम को करने के लिए मना कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस कौन से कहलाते हैं, नकारात्मक। वो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, यानी कि काम के करने की मना ही का पता लगता है। जैसे हम नहीं खेलते हैं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूं, तो यहाँ पे नहीं नहीं शब्द आ रहा है, तो जिस सेंटेंस में नहीं का यूज हो रहा है वो सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो सिंपल केस था, जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, सकारात्मक वाक्य था, उसमें हमने नॉट का यूज नहीं किया था, क्योंकि हमारा सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में जब तक हम नॉट का यूज नहीं करेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। तो उसका फार्मूला है, तो जो भी नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें हम
या तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट का प्रयोग कब करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एक वचन संख्या के साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डज का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को देखो, इसी के हिसाब से बनाते हैं, हम नहीं खेलते हैं। तो ये हम क्या है? एक सब्जेक्ट है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस, और खेलना क्या है? वर्ब। तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे इसको, बी Do not और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनानी है प्ले, वी डू नॉट प्ले। ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये सेंटेंस यहीं पर समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब जैसे मैं नहीं जानता हूँ, इस सेंटेंस को यहाँ ऊपर लिख दो, फिर सेंटेंस को मैं नहीं जानता हूं। तो सबसे पहले आई, मैं क्या है? सब्जेक्ट। जानता हूं क्या है? वर्ब। और नहीं तो नेगेटिव आई, तो यहाँ पे आई डू नॉट जानने को क्या बोलते हैं? नो। क्लियर? तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। डू नॉट का यूज करेंगे आई वी यू के साथ में, और ही शी इट के साथ में डज नॉट का यूज करेंगे। राइट डाउन इट। अब देखो, वे खाना खाते हैं, मैं आपको नहीं जानता हूं। देखो दोनों ही सेंटेंस में ते शब्द आ रहे हैं, खाना खाते हैं, ते है शब्द आ रहा है, मैं आपको नहीं जानता हूं का हूं शब्द आ रहा है। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया? प्रेजेंट सिंपल का हो गया। एक सेंटेंस तो हो गया सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा वाला सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब हमें इनको ट्रांसलेट करना है। तो वे क्या है? एक सब्जेक्ट है। खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। और खाते हैं क्या है? वर्ब। तो हमें जो अफर्मेटिव वाला फार्मूला है यानी कि इस सेंटेंस में हमें डू नॉट और डज नॉट का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य है। तो वे वर्ब लगानी है, ठीक है। यहाँ पे ईट के साथ में ऐसे एस नहीं लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो दे शब्द है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ऐसे एस का यूज नहीं होता है। दे ईट फूड। क्लियर? ये हो गया इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट। इसी तरह से मैं आपको नहीं जानता हूँ, यहाँ पे ताउन शब्द आ रहा है यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और नहीं शब्द आ रहा है यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का तो है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। आपको क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जानता हूं क्या है? वर्ब। तो आई, अब हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या था कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें डू नॉट या डज नॉट लगाना है,
अभी मैंने आपको बताया या आपने नोट डाउन भी किया होगा कि आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में और दे के साथ में, इन सब के साथ में हम डोंट का यूज करते हैं और ही शी इट के साथ में हम डस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ में हम यूज करेंगे डू नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जानने को बोलते हैं नो, क्या बोलते हैं नो, के एन ओ डब्ल्यू, इसको इसकी स्पेलिंग किससे शुरू होती है, के से शुरू होती है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो के की आवाज साइलेंट रहती है तो हम इसको नो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे नो बोलेंगे, क्या बोलेंगे नो बोलेंगे। तो आई डोंट नो और आपको क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है। अब टेंस में जो दूसरा टेंस जो है वो है पास्ट सिंपल, ठीक है। वो पास्ट सिंपल कल हम कंटिन्यू करेंगे और तब तक के लिए आज के लिए हैव अ गुड डे।